तो दोस्तों मैं नारकंडा से निकल चुका हूं और अभी जा रहा हूं मैं चिटकुल, और नारकंडा से मैं अभी बस 20 किलोमीटर ही नीचे आया हूं और गर्मी लगने लग गई है मुझे। अभी सबसे पहले आता है यहां पे रामपुर, और उसके लिए आपको पूरे पहाड़ से नीचे आना होता है, और जैसे ही आप नीचे आते हो तो मौसम पूरा बदल जाता है। अभी जैसे आप देख रहे हो पूरी अच्छी खासी धूप निकली हुई है, ऊपर बारिश थी, कोहरा था, अभी पूरी अच्छी खासी धूप है और एसी भी चला दिया है मैंने। और फिर जैसे ही हम रामपुर पहुंचेंगे फिर अगेन फिर चढ़ाई चढ़ती है और हम किन्नौर में एंटर कर जाते हैं। अब चिटकुल के बारे में मैं आपको आगे बताता हूं, और यहां पर मोस्टली लोग कैंपिंग करते हैं, होम स्टेज हैं यहां पर रहने के लिए, और कहते हैं कि यहां से जो नज़ारा है वादियों का वो बहुत ही अच्छा है। तो चलो ब्लॉग शुरू करते हैं, आप व्यू को इन्जॉय करें, और जैसे ही मेरे पास कुछ होगा बोलने को बोलूँगा। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अभी किन्नौर में, और मैं सीधा जा रहा हूँ यहाँ से चिटकुल। और अभी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे 2-3 बार आ रखा हूँ लेकिन इससे बेटर रोड मैंने पहले कभी नहीं देखी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब ये पूरा हाईवे ही बन चुका है कि हर कोई यहाँ पर जा सकता है, सारी रोड सही है, कोई खड्डे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और चौड़ी सड़क है। तो आई थिंक अब तो यहाँ पे कोई भी आ सकता है। मुझे याद है जब मैं 7-8 साल पहले गया था तो उस टाइम पे यहाँ पे सही से सड़क भी नहीं थी और पूरी गाड़ी छिल गई थी मेरी नीचे से, बट अभी रोड्स तो काफ़ी ज़्यादा सही हैं। अभी मेरा टारगेट है यहाँ पर ढूंढना एक सबसे अच्छा रेस्टोरेंट, क्योंकि मुझे लगी है बहुत भूख। अभी आई है पुलिस चेक पोस्ट, लेट सी मुझे रुकेंगे कि नहीं, शायद यहाँ पे एंट्री वेंट्री करनी होती है, लेट मी सी। एंट्री करनी है सर, तो चलो भाई पहले एंट्री वेंट्री कराएं। तो एंट्री तो हो गई है, इन्होंने बस मेरा नाम, आधार, मेरा नाम, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, गाड़ी का नंबर, फ़ोन नंबर, ऑल्टरनेट नंबर, उसके अलावा आधार कार्ड नंबर, देहरादून का पिन, मेरे एरिया का पिन कोड, कहाँ जा रहा हूँ, ये सब डिटेल्स लिखवाई हैं और भेज दिया। वैसे जब पहले मैं आया था तो उस टाइम तक ऐसी डिटेल्स ज़्यादा नहीं लिखते थे, बस वो नाम, नंबर, कहाँ जा रहे हो और कितने लोग हैं, बस वही लिखते थे। बट इस बार ज़्यादा है, बट ठीक भी है, सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो रास्ता है अभी तो बिल्कुल अच्छा सा है, लेकिन धीरे धीरे जाके ये रास्ता बहुत ख़राब होता है और बहुत एक्सीडेंट्स भी होते हैं इस रास्ते में। तो उसी के लिए पुलिस अपनी इंफॉर्मेशन अपने हाथ में रखती है कि कभी कुछ हो तुमको पता हो। खैर मुझे लग रही है बहुत भूख, और मैं देखूँ पहले कुछ खाने को, क्योंकि ना मुझे सब, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, मेरी एनर्जी डाउन हो चुकी है गाड़ी चलाते चलाते। और एक बात और है कि मतलब यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सब कुछ कैप्चर करूँ, बट कितना कैप्चर करूँ, क्योंकि इस पूरे रास्ते में, मतलब पूरा रास्ता ही ऐसा है कि आप बस खो जाओगे इस रास्ते में, तो कैमरा तो जस्टिफाई कर ही सकता। यहाँ पर आके आपको खुद देखना पड़ेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये गुफा गई है जो आपने बहुत रील्स में, बहुत यूट्यूब वीडियोस में आपने देखी होगी, कुछ ऐसी होती है ये गुफा। बारिशों के टाइम पे तो अच्छी खासी यहाँ पे पानी गिरता होता है गुफा के अंदर से ही, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। और यहाँ पे मैं जितनी बार भी आया हूँ एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि यहाँ पे टूरिस्ट लोग जाम लगा के रखते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, बट आज ऐसा है कि एक बंदा नहीं है यहाँ पे। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि लोगों ने जो स्पीति जाना शुरू किया है वो मनाली से ज़्यादा कर दिया। यहाँ से मुझे हार्डली कोई दूसरी स्टेट की गाड़ियाँ दिखी हैं, या मोस्टली मुझे एचपी और सम चंडीगढ़ नंबर। मैं से अगर निकालूँ ना निकालूँ, निकाल ही लेते हैं। लैंडस्लाइड ये क्या हुआ है,
अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था कि रोड्स बिल्कुल ठीक हो गई हैं और उसके बाद से ही रोड्स ऐसी आनी शुरू हो गई हैं, बट तब भी पहले से तो बेटर ही है क्योंकि पहले तो इतना, अभी तो इतना सही पैच है, लेकिन पहले तो लंबा लंबा पैच होता था। माय हैट्स ऑफ इन वर्कर्स को जो रोड मेंटेन करके रखते हैं, वरना जिस हिसाब से यहाँ बारिश, जिस हिसाब से यहाँ मौसम होता है, रोड और लैंडस्लाइड्स भी इतने होते हैं यहाँ पे कि अगर ध्यान ना दो तो भैया रोड तो कल की कल ही ख़त्म हो जाए। आगे लैंडस्लाइड हो रखी है तो पुलिस एक टाइम पे एक साइड वालों को ही भेज रहे हैं। पूरी गाड़ी झंझन आ गई है, मेरे पीछे सामान ऐसे आवाज कर रहा है। अभी रात के बज रहे, अभी शाम के बज रहे हैं 7:40 और अभी भी मुझे कम से कम एक घंटा लगेगा। ये रास्ता सच में बहुत टफ था क्योंकि जैसे ही मैं सांगला की रोड पे मुड़ा हूँ तब से टूटा हुआ रास्ता ही है। अभी मैं आपको एक बार रोड दिखाता हूँ इसकी। ये जो पूरा पैच आप देख रहे हो ये तो मैं बोलूँगा कि अभी भी बेटर है, वरना इससे पहले जो पैच था उसमें पूरी गाड़ी के इंचर पिंचर हिल गए थे मेरे। यहाँ के रास्ते इतने ख़राब थे कि मेरा कैमरा भी स्टेबल नहीं हो पा रहा था एंड अंधेरा भी हो गया था, तो मैंने खाने के लिए भी गाड़ी नहीं रोकी। ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि एक तो पत्ती रोड है एंड सड़क पर पूरे खड्डे हैं। रात को यहाँ पहुँचा 10 बजे तक और जाते ही मैंने अपने हॉस्टल में खाया एंड सो गया। तो मिलता हूँ आपसे कल, इसे कंटिन्यू में रखते हैं।